दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा दोनों को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ हार के बाद बौखला उठे कोलकाता के खिलाड़ी। चेन्नई पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाते हुए दे दिया पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाला बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कोलकाता के खिलाड़ियों का बयान सामने आया है। इस दौरान सुनील नारायण, आंद्रे रसेल से लेकर मिचेल स्टार्क, वेंकटेश अय्यर ने चेन्नई पर बेईमानी के गंभीर आरोप लगाने के साथ महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार कोलकाता के खिलाड़ियों ने चेन्नई की जीत के बाद क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोलकाता की टीम की हार के मुख्य जिम्मेदार कौन रहे हैं? श्रेयस अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और चेन्नई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में चेन्नई की टीम 8 विकेट से मैच को जीत गई है। इस मैच में कोलकाता की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के 34, सुनील नारायण के 27 और रघुवंशी के 24 रन के दम पर 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाए और इसका पीछा कर चेन्नई की टीम ने 17.4 ओवर में मैच को अपने नाम कर लिया और 7 विकेट से मैच को जीत गई। इस दौरान सुनील नारायण ने 1 और वैभव अरोड़ा ने 2 विकेट लिए। इस दौरान रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के साथ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के चलते चेन्नई को जीत मिल गई है। ऐसे में कोलकाता की हार के बाद कोलकाता के तमाम खिलाड़ियों ने भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील नारायण ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम को इस मैच के अंदर चेन्नई के खिलाफ मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि इस मैच में हमारी कोलकाता की टीम को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारी टीम ने इस मैच में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि चेन्नई की टीम की तरफ से अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी नहीं करते तो चेन्नई की टीम को जीतने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि चेन्नई की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी को बैकग्राउंड कप्तान के तौर पर मैदान पर उतार रखा है। महेंद्र सिंह धोनी की जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ अगर असलियत में आज कप्तानी करते तो चेन्नई की टीम को जीत नहीं मिल पाती। ऐसे में चेन्नई की टीम इस मैच को बेईमानी के चलते हमसे जीती है। तो वहीं वेंकटेश अय्यर ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के सामने चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस मैच में जिस प्रकार से आज कोलकाता की टीम के खिलाफ चेन्नई की टीम को जीत मिली है उसको देखकर मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमारी टीम को चेन्नई के खिलाफ काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि चेन्नई की टीम के लिए जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया उसी के चलते कोलकाता की टीम मैच से काफी पीछे हो गई है। ऐसे में मेरा मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान न रहते हुए भी कप्तानी करने के साथ कोलकाता की टीम को धोखा दिया है। तो वहीं आंद्रे रसेल ने बयान देते हुए कहा है कि कोलकाता की टीम के सामने चेन्नई की टीम इस मैच को सिर्फ टॉस के कारण जीत गई है, क्योंकि इस मैच पर दूसरी पारी के अंदर काफी ज्यादा ड्यू देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम टॉस जीत जाते तो इस मैच के अंदर हमारी टीम को आसानी से जीत मिल सकती थी, लेकिन हमारी टीम इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने में काफी असमर्थ रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम के खिलाफ हमारी टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई और हमको पिच के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अगर हम बाद में बल्लेबाजी करने आते तो हाल चेन्नई की टीम ने हमारा किया है उसी तरीके का हाल हम भी चेन्नई की टीम का इस मैच में पहली पारी में आसानी से कर सकते थे। तो वहीं मिचेल स्टार्क ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता की टीम के खिलाफ चेन्नई की टीम को जीत मिल गई है। ऐसे में चेन्नई की टीम की जीत के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं, क्योंकि आज के मैच के अंदर जिस प्रकार से चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया उस तरीके का प्रदर्शन कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों को देखने का नहीं मिला है। हालांकि हमारी टीम के बल्लेबाज अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करते तो इस मैच के अंदर कोलकाता की टीम को जीत मिल सकती थी, लेकिन इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के चलते कोलकाता की टीम इस मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि चेन्नई की टीम ने कोलकाता के खिलाफ इस मैच में अपने मन मुताबिक मैदान पर कुछ तैयार करते हुए बेईमानी के चलते जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में कोलकाता की टीम की हार के असली जिम्मेदार कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के चंगुल में बुरी तरह से फंसी कोलकाता, चेन्नई ने आसानी से जीता एक रोमांचक मैच, तो पूरी दुनिया तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की दीवानी हो गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना धोनी को इस जीत का असली हीरो बता रहे हैं, तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग खुद गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक ने जो कह दिया उनकी बातें सुनकर तो आप भी धोनी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर किसने धोनी को दिया जीत का पूरा क्रेडिट, किसने कोलकाता की हार पर उड़ाया उनका मजा, किसने चेन्नई को
आईपीएल 2024 का चैंपियन तक बना दिया। इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेबॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार दो विकेट चटका कर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस किया, तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया। और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहां मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहां आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई, एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्नथाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं, लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है, उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी, उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेबॉक के मैदान पर धोनी के चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहां पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही रेस में कोई भी हो। मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहां तक कि दोस्तों, खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है, और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं, लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया, उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों, अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं, वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है। मुझे पता है कि वो कप्तान नहीं है, लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि धोनी को चेन्नई से निकाल देते तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो सचिन ने भी धोनी की जमकर तारीफें करी। तो केवल वही नहीं, अब तो वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि कोलकाता आपने ये क्या किया, उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो वो बिना पिच को पढ़े और सोचे समझे बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते थे, यहीं पर वो बुरी तरीके से फंस गए। यहां पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से समय बिताना था, उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। जी हां दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी धोनी ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे, वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था।
इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुरेश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की और दो ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था।